नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो मेरा नाम है पार्थ शर्मा। सो आप देख रहे हैं पार्थ शर्मा फिट। सो आज हम आपसे बात करने वाले हैं लेग वर्कआउट के ऊपर। ये देख सकते हैं लेग वर्कआउट के ऊपर। सो अपर बॉडी तो अच्छी बन जाती है लेकिन लोअर बॉडी पे कोई काम नहीं करता है। सो आज हम करने वाले हैं लेग वर्कआउट। जी हाँ, आज हम पूरी मेहनत के साथ हम लेग वर्कआउट करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम अपना लेग वर्कआउट करेंगे। सो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दें। सो मेरे को सपोर्ट मिलेगा। सो इंस्टाग्राम में भी सो आप इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं मेरे को। लिंक भी नीचे आ जाएगा। सो वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं मोटिवेशन वीडियोस डालता हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब कुछ मैं वहीं डालता हूँ। सो आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए अपने वीडियो पे चलते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट। सिंपल स्क्वाट लगाने हैं आपको। ये आपका पैर आगे नहीं जाने चाहिए घुटनों से। ये पहली एक्सरसाइज है। सिर्फ आप जैसे आप दंड बैठक लगाते हैं ना, दंड बैठक उसी तरीके से आपको लगाना है। इसके आपको कम से कम 4 सेट करने हैं। और हाँ, आप ज़्यादा मत लगाइएगा शुरू शुरू में। जितना मैंने लगाया उतना मत लगाइएगा। पहले आप 20 30 40 से, अगर आप बिगनर हैं तो 20 30 40 से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे जैसे कि चेस्ट को आपको अप रखना है जितना हो सके। चेस्ट को आपको अप रखना है जितना भी हो सके। चेस्ट को आप अप रखिएगा और पूरा शरीर को पीछे लाइएगा। और हाँ, घुटनों से आगे मत लाइएगा। शुरू शुरू में होगी आपको दिक्कत अगर आप पहली बार कर रहे हैं। सो दिक्कत होगी, आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 करते करते आप सीखेंगे। सब कुछ एकदम से, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये है पहली एक्सरसाइज स्क्वाट। इसके आपको 4 सेट लगाने हैं। ये जो स्क्वाट है ये आप डंबल से भी कर सकते हैं। डंबल हाथ में रख के फिर आप मार सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो सेकंड एक्सरसाइज आपकी है वो है वॉकिंग लंजेस। जैसे आप देख पा रहे हैं, वॉक की तरह करना है आपको। एक पैर आगे एक पैर पीछे करके करना है। और आप ये आप डंबल के साथ करें, मन पे आप डंबल। ठीक है, इसके आप 2 राउंड लगा सकते हैं, जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। 2 राउंड लगा रहा हूँ। ठीक है, 2 राउंड ऐसे, जैसे मैं आया गया गया फिर मैं आया, उसी तरीके से आप 2 राउंड आपको लगाने हैं, अगर आप अगर कंफर्टेबल है तो। वरना आप 1 ही राउंड लगाएं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वॉक की तरह आपको करना है, वॉकिंग लंजेस। ये थी सेकंड एक्सरसाइज। हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है लंजेस। मेरे से बुल्गेरियन स्प्लिट नहीं हो रहा था, वो एकदम ऊपर पैर करके एक पैर आपको किसी चेयर पे रखना पड़ता है, फिर आपको एक पैर नीचे रखना पड़ता है। वो मुझसे नहीं हो रहा था। सो इसकी जगह मैंने मैंने लंजेस रखा। वॉकिंग लंजेस नहीं है, खड़े होकर करना है। अगर आपसे वो बुल्गेरियन लंजेस हो पाए तो आप करिएगा। मेरे से अनबैलेंस हो रहा था क्योंकि एक हाथ आपको कहीं कहीं दीवार पे रखना पड़ता है, फिर आपको करना पड़ता है। वो चीज़ मुझसे नहीं हो रही थी। लेकिन ये है लंजेस, सिंपल लंजेस कर सकते हैं। अगर आपसे अगर बुल्गेरियन स्प्लिट हो पाता है तो आप कर सकते हैं उसको। उसकी भी आप कम से कम 30 40 रैप मारे, ज़्यादा भी नहीं मत मारे। ठीक है, क्योंकि आपको उससे हो सकता है पेन। ठीक है, तो इतनी सारी एक्सरसाइज है तो आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है ज़्यादा। अब जो हमारी चौथी एक्सरसाइज होने वाली है, वो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रोमेनिया डेडलिफ्ट कहते हैं इसको। ठीक है, ये आपको खड़े होकर करना है। पैरों को थोड़ा सा चिपका के, मतलब थोड़ा चिपका के भी नहीं, उसे हल्का सा बाहर रखना है। और आपको पूरा बैक जो है
पीछे रखना है, बैक को पीछे रखते हुए स्ट्रेट रखना है आपको। नीचे जाना है पूरा नीचे, जैसे देख पाए नीचे, फिर ऊपर एकदम से ऊपर तो नहीं, थोड़ा धीरे 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 आपको ऊपर आना है, एकदम से ऊपर नहीं आना है। जैसे कि मैं थोड़ा सा तेज़ी से आ रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे आना है। तो देख पा रहे रोमानिया डेडलिफ्ट जैसे कि करना है आपको, सिंपल है। आपको पीछे से आपको हैमस्ट्रिंग पे आपको फर्क पड़ेगा, आपको पेन लगेगा। सो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके हिप्स के लिए, जिसको बोलते हैं बूटी, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो ये आप कर सकते हैं, चौथी एक्सरसाइज, ठीक है। इसके आप कम से कम 30-40 लगा लीजिए रैप, ज़्यादा मत लगाइएगा, ये भी मैंने उतने ही बोले जितने सबके बोले। सो लगा लीजिए, ठीक है। बिगनर है तो आप कम लगाइए, 20-30, ये दोनों कर सकते हैं लड़के। अब जो हमारी आखिरी है वो देख पा रहे हैं, जैसे कि काफ। काफ को आपको मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लेग्स आपकी अच्छी हो जाएंगी लेकिन काफ आपकी छोटी रह जाएंगी तो अच्छा नहीं लगता है। सो काफ को भी मारना बहुत ज़रूरी है, आपको स्लो जाना है, आखिरी है ये एक्सरसाइज। तो स्लो ऊपर जाए, स्लो नीचे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हल्का सा एक दो, फिर एक दो नीचे जाना है। जैसे आप ऊपर आ रहे हैं उसी तरह से आपको नीचे जाना है। तो किसी ऊंचे पे रखे आप, ऊंचे पे रख के आप कर सकते हैं ये, एक दो, एक दो ऊपर, एक दो ऊपर, फिर एक दो नीचे, ऐसे आपको करना है जितने आपसे लग सके या मैक्सिमम जा सकते हैं, क्योंकि इसमें पेन लाना बहुत ज़रूरी है। तो पेन नहीं आएगा तब तक को फील नहीं आएगा, तो तब तक ये एक्सरसाइज अधूरी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें बताइएगा, हमें कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। ऐसे ही मैं मोटिवेशन वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, वीडियो ऐसी आते रहेंगी आपके लिए, आपका सपोर्ट मिलता रहे। सो हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों को ही प्यार होगा। सो अगर दूसरों की तरह हम ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरे लोग सब्सक्राइबर या लाखों सब्सक्राइबर, मिलियन सब्सक्राइबर पा के और आपको भूल जाते हैं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला हूँ। मैं कसम खा रहा हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा आप लोग के साथ। सो जितना हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। सो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे फिट, स्टे ऑसम, माता पिता से प्यार कर, देश से प्यार कर। जय हिंद, जय भारत।